आप इस देश के अंदर खुले आम सड़क पे खड़े रहोगे, समाज के किसी एक तबके को नाग बोलो, तुम बोलो कि पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का मुल्क है। तुम्हारे बाप का देश है। तुम सालों हो क्या? तुम अडानी और अंबानी जैसे कुछ चंद पूंजीपतियों के पैर के तलवे चाटने वाले दलाल हो, दलाल। तुम इस मुल्क के गद्दार हो, गद्दार। तुमने इस मुल्क की छाती में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक लकीर खींची, तुमको कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। और ये हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि नई पीढ़ी को लड़ना होगा, ताकि जो संघर्ष लेकर वो निकले थे वो संघर्ष आगे चले। माने साहब की इस जनसभा में से हम ये वचन देते हैं, आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक हम लड़के दिखाएंगे। और हमको इस बात का पूरा यकीन और भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी देखेंगे नहीं, हम अपने इस जीवन काल के दौरान अपनी आंखों के सामने ये संघ और भाजपा का सफाया देख कर जाएंगे। वो चुनाव में नारा लगा रहे थे कि आएगा तो मोदी ही, हमारा ये कहना है कि जाएगा तो मोदी भी, युगों युगों तक मोदी और अमित शाह इस मुल्क में और दुनिया में नहीं रहने वाले, लेकिन इस देश का संविधान रहेगा, इस देश का भाईचारा रहेगा, इस देश का लोकतंत्र रहेगा, और इन चोरों के खिलाफ लड़ने वाली युवा ताकत रहेगी। इस देश का किसान रहेगा, इस देश का मजदूर रहेगा, इस देश का दलित, आदिवासी और मुसलमान रहेगा। ये दलाल फलाल तो आते हैं जाते हैं, इनकी कोई ज्यादा औकात नहीं। ये क्या है कि समाज के अंदर जहर फैलाया है और टीवी वालों को जमकर पैसा दिया है कि पूरा दिन इमरान खान को ही दिखाते हैं, पूरा दिन पाकिस्तान को गाली देने में गुजारते हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं। शायद यहां मुस्लिम साथियों की अच्छी खासी तादाद है, उनको हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि साथियों, कितना भी नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, अपनी एकता और भाईचारे को बनाए रखिएगा। यही हिंदू लोग मोदी और अमित शाह को लात मारकर निकालेंगे। वो चाहते हैं कि हम में से कुछ लोग रास्ते से भटके, वो चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे। आज जिस प्रकार का अर्थतंत्र का बेड़ा गर्क हो चुका है, यही हिंदू किसान, यही हिंदू मजदूर और यही हिंदू बेरोजगार उनकी छाती पर चर बैठेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर पार्ले कंपनी ने जिन 10,000 लोगों को निकल दिया, सारे मुसलमान थे क्या? किसके घर के चूल्हे बंद हुए? वो भी तो हिंदू थे, लेकिन हिंदू वो तो छोड़ो, तुम तो अपने सगे बाप के भी नहीं हो। ये वो लोग हैं। तो हमको साथियों थोड़ा वक्त जाने देना है। जिस प्रकार का आर्थिक संकट देश के ऊपर मंडरा रहा, यही देश के अंदर इसी मुल्क की जनता इन दोनों रंगा बिला के सामने खड़ी होगी। आने वाले चंद महीनों का इंतजार है। आज साथियों पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे इन लोगों का नंगा नाच, 5 साल से इतना जहर, इतनी गंदगी, मॉब लिंचिंग में हर हफ्ते या तो दलित या मुसलमान को मार देते हैं। ये लोकतंत्र है, इसको भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया है। भीड़ तंत्र,
एक टोला जिसको मैसेज भेजा जाता है नागपुर से, वो चुनता है एक सड़क और सड़क में एक टोला बनाकर गाय के नाम पे हिंदू और मुसलमान का खून कर देता है। कितने दिन तक ये चलेगा? कितने लोगों के ऊपर तुम मुकदमे दर्ज करोगे? कितने लोगों को जेल में डालोगे? यार 130 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के अंदर, और तुम जिनकी दलाली करते हो ऐसे पूंजीपति कितने हैं? 130। आज कितना भी लोगों ने दम लगा दिया, कितनी भी नफरत और झूठ फैलाया, 37% से ज्यादा एक भी वोट आज मोदी को मिला नहीं। आज भी वो 63% लोग हैं इस मुल्क में जिंदा और मौजूद जो उनके खिलाफ खड़े हैं। ये तमाम लोग जो मेरी आंखों के सामने खड़े हैं वो उन 63% में से एक है। अपने लिए भी एक बार ताली बजाओ। और बाकी के जो 37% वोट दिए हैं, ज्यादा नहीं तो उनमें से 10% को भी ये लगेगा कि गलत जगह पर थप्पा मार दिया, ये कमल खिला था कीचड़ में, उस दिन मोदी और अमित शाह की घर वापसी हो गई। मुंबई के नाला सुपारा में से 1.5 साल पहले कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ। मोदी जी कह रहे हम सावरकर के संस्कार में मानते हैं, उनके संस्कार का आपको थोड़ा परिचय करवाता हूं, क्या संस्कार है उनके। नाला सुपारा में से कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ। कौन थे? सनातन संस्था के लोग। क्यों गिरफ्तारी हुआ? इसलिए कि गणेश विसर्जन के दिन, गणेश चतुर्थी के मौके पर बंबई के 2 थिएटर के अंदर और 3 गणपति के पंडालों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करके हिंदुओं को मरवा के उसका नाम मुसलमानों को देने वाले थे। ये षड्यंत्र सोचिए, ये है उनका असली संस्कार। ये इस संस्कार की मोदी जी बात कर रहे हैं। कौन? सनातन संस्था के लोग। क्या करने वाले थे? ब्लास्ट। कहां पर? गणेश के पंडाल के अंदर। ये तो भारतीय संस्कृति नहीं थी भाई। ताकि वहां जो लोग मरे और उसका नाम दिया जाए मुसलमानों के ऊपर। चुनावी राजनीति के लिए इतना घटिया बन जाना, अरे इंसानियत के नाम पे कलंको, तुमको इस मुल्क की जनता कब साफ करेगी उस दिन का इंतजार है। और हमारे सूत्र ये बताते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस ने भी गिरफ्तारी इसलिए किया कि गौरी लंकेश की हत्या की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था और कर्नाटक की पुलिस उठाने वाली थी, उसके पहले यहां की पुलिस ने अपना नाक बचाने के लिए उन चोरों की गिरफ्तारी की है। क्या कर रहे हो उस मुल्क के अंदर तुम? और ये गले में भगवा डालकर हमको कह रहे कि पाकिस्तान भेजे। अरे सालो, तुमको जहन्नुम में भेजना चाहिए। तो ये हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए जो खतरनाक लोग हैं, इनके खिलाफ लड़े कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है यार। इनके खिलाफ लड़ने का बेस्ट तरीका यही है। ये क्या करते हैं? हमको हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं ना। कुछ दिनों के लिए भूल जाइए ना यार कि हम हिंदू या मुसलमान, इंसान बन जाओ। हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसलिए है कि कोई हिंदू और मुसलमान में है, हम बन ही जाए नागरिक, केवल इंसान बन जाए, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए, तब ये क्या करेगा? तब आएगा असली मुद्दा हमारी आंखों के सामने। और असली मुद्दा यह होगा कि बंबई के किसी भी कोने से आप गुजरो तो लेफ्ट राइट आगे और पीछे चारों तरफ एक चीज नजर आती है,
वो है बड़े बड़े बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग को बनाने में, इन बिल्डिंगों के निर्माण में जिन निर्माण मजदूरों ने अपना खून और पसीना बहाया, वो अहमदाबाद की सड़क पर भी नंगा सोया है, बेंगलोर की सड़क पर भी नंगा सोया है, हैदराबाद की सड़क पर भी नंगा सोया है, चेन्नई की सड़क पर भी नंगा सोया है और बंबई की सड़क पर भी नंगा सोया है। लेकिन एक मुकेश अंबानी नाम का आदमी 28 माल की बिल्डिंग में रहता है। ये है असली लड़ाई, इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। एक तरफ है इस मुल्क की 130 करोड़ जनता और दूसरी तरफ है 130 चोर जो इस मुल्क का 50% संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। कभी गलती से प्रधानमंत्री बन गया, मां की कसम उनकी एक एक पाई वसूल करके इस 130 करोड़ जनता के खाते में डाल के दिखा। तो साथियों, लड़ाई तो असली ये है, ये लड़ाई कोई दलित और सवर्ण की नहीं, हिंदू और मुसलमान की नहीं, लूटने वालों के खिलाफ उनकी है जो लूट चुके हैं। जो लूट चुके हैं वो करोड़ों अरबों में है, जो लूटने वाले चंद मुट्ठी भर है। इन चंद मुट्ठी भर लोगों के सामने जनता का मोर्चा खड़ा कीजिए, जन आंदोलन खड़ा कीजिए, तभी हमारे देश में इंकलाब आएगा, तभी जमहूरियत बचेगी, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा नए समाज के वास्ते। बाबा साहब अंबेडकर, अशफाकुल्ला खान और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते। जय भीम। और इंकलाब जिंदाबाद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और अपील करता हूं, 24 घंटा हमारे बीच में है। एक एक घर में जाइए, हाथ जोड़िए और समझाइए डॉक्टर सुरेश माने साहब कौन है। धन्यवाद, शुक्रिया मेवाली जी।